दोस्तों गर्मियों का सीजन शुरू होते ही हमारे घरों में फ्रिज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गर्मियां आ चुकी हैं। ऐसे में पानी रखने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, बर्फ जमाने के लिए और कई कामों के लिए फ्रिज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बात करें गाइस LG एंड हायर की तो दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर एंड फेमस रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स है यहाँ पे। लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि यार इन दोनों ब्रांड्स में ज्यादा अच्छा कौन है। एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ब्रांड्स को कंपेयर करने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बात करें LG की तो LG काफी ज्यादा पुराना और पॉपुलर रेफ्रिजरेटर ब्रांड है। गाइस आपको मैक्सिमम घरों में LG के रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं गाइस दूसरी तरफ बात करें तो हायर एक चाइनीज रेफ्रिजरेटर ब्रांड है एंड इसने अपनी पकड़ मार्केट में काफी तेज बनाई है। इंस्टेड की यह LG जितना पुराना तो नहीं है लेकिन बहुत तेजी से इसने अपनी मार्केट में पकड़ बनाई है और अब हायर के रेफ्रिजरेटर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और हाईटेक टेक्नोलॉजी आपको हायर रेफ्रिजरेटर में भी देखने को मिलती है। तो गाइस जरूरी नहीं है कि आप दोनों ब्रांड्स में कंफ्यूज हो, आपको दोनों ब्रांड्स के मॉडल्स को भी कंपेयर कर लेना चाहिए और मॉडल वाइज भी डिफरेंस होता है गाइस। एंड गाइस फॉर एग्जांपल बात करें तो हायर में 1 आर आइसिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। इसका मतलब कि हायर का कहना है कि 1 घंटे में आपको आइस क्यूब्स मिल जाएंगे। तो ये चीज प्रूव करते हैं यार गाइस कि हायर में भी आपको बढ़िया एक्सट्रीम लेवल की जो है कूलिंग देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस बता दें कि अगर आप न्यू रेफ्रिजरेटर को प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रिज को बाय करने लोकल शॉप में जाओगे तो वहां पे आपको वेंडर कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको थोड़ा सा पहले से डिसाइड रहना चाहिए। एज गाइज यू शुड ट्राई टू परचेज 5-स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। अगर आप 5-स्टार ट्राई करते हो, अगर आपका बजट का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है तो आपको 3-स्टार या 5-स्टार वाले रेटिंग को परचेज करना चाहिए। शुरू में तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा थोड़ा सा ही, लेकिन वहाँ लॉन्ग टाइम में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी ज्यादा सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस तो अगर आपकी स्मॉल फैमिली है तो आपको 200 या 230 लीटर के आसपास का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर ऐसे में आपको बड़ी फैमिली के लिए, मतलब 4-5 से ज्यादा लोग हैं, तो फिर आपको ऐसे में बड़े रेफ्रिजरेटर मतलब कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर को कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं वारंटी एंड अदर सर्विसेज की। तो दोनों ही ब्रांड में आपको सिमिलर ही वारंटी वगैरह देखने को मिलती है, सिमिलर ही सर्विस वगैरह देखने को मिलती है। एंड बात करेगा इस दोनों ही ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर के डिजाइन में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। एंड गाइज ये आपके पर्सनल च्वाइस पे भी डिपेंड करता है कि आप आपको किस ब्रांड का रेफ्रिजरेटर ज्यादा पसंद आता है, कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वैसे गाइज आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा ब्रांड आपको ज्यादा पसंद है। वेल दोस्तों दोनों ही ब्रांड्स में आपको कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप फ्रीजर को फ्रिज में और वापस से फ्रीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे में जब आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है और आपको फ्रीजर का काम ऐसे में नहीं है तो उसको आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस से अगर जरूरत है तो फिर आइसिंग के लिए आप उसे फ्रीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस बात करें LG रेफ्रिजरेटर की तो LG में आपको टॉप में फ्रीजर देखने को मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें हायर की तो हायर में आपको बॉटम रेफ्रिजरेटर भी देखने को मिलता है। ये ऑप्शन भी आप हायर में दे सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इनमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीजर टॉप में चाहिए तो फिर आप ऐसे में LG का रेफ्रिजरेटर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बॉटम में फ्रीजर चाहिए आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, तो ऐसे में आप हायर का रेफ्रिजरेटर ले सकते हो बॉटम फ्रीजर के लिए। एंड गाइस दोनों ही ब्रांड्स में
आपको कूल पैड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो पावर कट की कंडीशन में भी अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा पावर कट होती है तो ऐसे में भी फ्रिज में रखा हुआ आइटम और फूड जो है खराब नहीं होता, कूल पैड टेक्नोलॉजी मिलती है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपका फ्रिज पावर कट की कंडीशन में भी कूल मेंटेन रखता है। दोनों ही ब्रांड्स हाईटेक टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आपको देखने को मिलती है, तो आपको मॉडल वाइज या टेक्नोलॉजी वाइज जो भी रेफ्रिजरेटर पसंद है उसको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आप अपने बजट पे भी ध्यान रख सकते हो, जो कि आपको अगर कम बजट में रेफ्रिजरेटर मिलता है तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर फीचर्स अच्छे हैं तो फिर ऐसे में आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा भी सकते हो। लेकिन गाइस बात करें एलजी के रेफ्रिजरेटर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि पावर सेविंग इनमें ज्यादा होती है, एंड एलजी के रेफ्रिजरेटर में आपको ज्यादा साइलेंट ऑपरेशन देखने को मिलता है, मतलब फ्रिज थोड़ा कंपैरेटिवली हायर से कम जो है साउंड करता है। अब बात करें गाइस बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही ब्रांड्स में आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में इनमें से कोई भी पीछे नहीं है। इस दोनों ही ब्रांड में आपको कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि जरूरी है कि आपको कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी लेना है। अगर आपको नीड लगती है इसकी तभी आपको लेना है, अगर आपको ज्यादा नीड नहीं है तो फिर आपको कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे में आपका पैसा सेव हो जाएगा। कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी वाला लेते हैं तो फिर ज्यादा पैसे आपको ऐसे में लगेंगे, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब गाइस बात करें दोनों ही ब्रांड में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, मतलब कि आपको स्टेबलाइजर अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो फिर ऐसे में आपको एक अलग से स्टेबलाइजर को यूज करना चाहिए ताकि कि आपका फ्रिज ऐसे में सेव रहे। सो होप गाइस वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।